चार महीने की समय दी गई है, आप आराम से चार महीने के अंदर जब भी आपको सुटेबल होता है आप नोट एक्सचेंज करिए। ऐसा नहीं कि आप तुरंत आज ही जाए कल ही जाए, मतलब आज मतलब कल से शुरू हो रहा है, ये नहीं कि आप मतलब तुरंत बैंक बैंक में जाके रश करें और इसको करें, आराम से करिए, टेकिए योर टाइम, चार महीने है, बाय सितंबर 30th प्लीज एक्सचेंज इट, एंड टाइम इज गिवन अप टू सितंबर 30th सो दैट इट इज टेकन सीरियसली, बिकॉज अदरवाइज इफ यू लीव इट ओपन एंडेड देन इट बिकम्स अ काइंड ऑफ अ एंडलेस प्रोसेस। यू हैव ऑल्सो रेज द क्वेश्चन आफ्टर 30th सितंबर व्हाट, नाउ वी एक्सपेक्ट most of the notes to come back, that is our expectation at this stage, we will see how much notes come back and as we approach 30th we will decide take you know at that stage, and the legal tender character we have said that it continues, we have not said that ki you know this will happen or that will happen through you. Let me assure all of you, let me assure every viewer, let me assure also the readers of the print media, and also let me assure you know the you know so many people you know Indians who are living abroad or who have gone to on a foreign trip for a you know long foreign trip, there are elders who visit, elderly people who visit their children in the US, United States or other countries for 6 months and all, there are many Indian youngsters with H1B visa who are working in the US and other places, there are many Indians who live abroad, through you let me assure the people who are abroad, the people who are now in the foreign countries, and let me assure people who are within India, कि जो भी कठिनाइयां आप फेस करते हैं, we will be sensitive to that. Whatever difficulties or whatever representations we come across, it will be our endeavor to address the difficulties of the people and to complete the entire process in a smooth manner. So, इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, आप आराम से एक्सचेंज करिए नोट, आपका जितना कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी डिफिकल्टी कठिनाइयां हो, तो हम बैंकों के थ्रू या डायरेक्टली हम तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं, जितना इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा उसको हम एड्रेस करेंगे। इसमें सबसे बड़ी सितंबर के बाद सितंबर वाली बात हिंदी में बता दीजिए, 30 सितंबर वाली बात आप हिंदी में बता दीजिए सर। नहीं नहीं आप सर देखिए मैं आता हूँ, एक तरफ लीगल टेंडर, सुनिए सुनिए सुनिए, आप वन बाय वन करिए ना, मैं एक मिनट सर, हिंदी में सितंबर करने की बात कर रहे हैं, मैंने सुन लिया आपका क्वेश्चन सुन लिया, मैं अभी उत्तर देता हूँ, लेकिन एक एक करके पूछिए ना, अगर चार लोग पूछेंगे तो मैं सितंबर 30th का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो, और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है, इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए, चार महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट चार यू नो सितंबर 30th तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में खाता में डिपॉजिट कर दीजिए, तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है, और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है, और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है, आरबीआई के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा है। अगर अगर तीन लाख 62,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर, देखिए मैं तो देखिए देखिए मैंने आप एक रुक रहिए, अब पांच क्वेश्चन का तो एक ही आया, लक्ष्मण प्लीज सर, लुक आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, सर आई विल स्टार्ट हियर, आई विल गो राउंड, सो देयरफॉर प्लीज हैव पेशेंस सर। अगर सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा, लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या होगा? कैन आई जस्ट ऐड टू दैट सर, यानी खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will. Yes, please. Just adding, so, what is happening, sir? Is no, no, I have read the newspapers. हम भी न्यूज पेपर पढ़ते हैं, हम भी टेलीविजन देखते हैं। आप ऐसे रुकिए, आप अब
दुकानों में अगर कोई एक्सेप्ट, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2000 के रुपया के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे, ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ, पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे को मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है, वो जब 2000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2000 रुपए नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं, कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर, हमने तो कहीं पे नहीं कहा उसके आगे, तो और कुछ नहीं कहा, और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे, हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, We will decide. No, one question sir, purpose. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? Wahi question aap pooch rahe hain. It's the same question. We have said that it continues as legal post tender. We will wait how much notes are coming. I cannot give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा, हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। यस, वन क्वेश्चन दैट इज कमिंग इज सर दैट इफ यू रिटर्न द नोट्स एंड इफ देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन अटैच्ड टू इट, द होल पर्पस ऑफ नोइंग हाउ मच ऑफ इट वाज ब्लैक मनी फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग दैट वुड बी नहीं, देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए, हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक DD खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेंगे, RBI तो कोई स्क्रूटिनाइज नहीं करता है, बाकी जो एजेंसीज है इनकम टैक्स वगैरह हो वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं, लेकिन RBI के तरफ से हम ऐसे मतलब किसने कैश ये किया, हम RBI के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं, जैसे आपको पता होगा बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको CTR, STR वगैरह कहते हैं, आपको सबको पता है, वो तो मॉनिटर करते हैं।